हेलो एवरीवन, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल श्याम के जायके में। तो फ्रेंड्स, विंटर का मौसम है, विंटर में बहुत अच्छी शक्करकंदी आई हुई है, तो आज मैं आपको इसको भूनने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। उसके लिए ना तो हमें नमक चाहिए और ना ही मैं तेल या घी का यूज करूँगी, और यह बहुत ही अच्छी तरह से आपकी भुन जाएगी। तो देखिए हम इसको बनाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने आधा किलो शक्करकंदी ले ली है। पहले आपको शक्करकंदी को अच्छी तरह से धो लेना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, तो इसे हमें 3-4 बार बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के बाद ही हम इसको भूनने का तैयारी शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने सारी अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर ली है, और इसको हम अब देखिए, इसके जो ऊपर का ये पार्ट है, इसको हम सारी शक्करकंदी का ये निकाल देंगे। तो फ्रेंड, ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगी शक्करकंदी भूनने का, इससे आपकी शक्करकंदी एकदम बिल्कुल परफेक्ट भुनेगी, और एकदम आप जैसे बाहर खाते हैं ना, गली वगैरह में आता है, चाट वगैरह मिलता है, बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा इसका जब आप इसको खाओगे। तो सबसे पहले मैंने ये फॉयल पेपर ले लिया है। फॉयल पेपर तो सब फ्रेंड सबके घरों में होता ही है, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले इसको देखिए, हम इसे इसका ये पार्ट, एक पार्ट इसका कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो जो ये फॉयल पेपर से मैं आपको शक्करकंदी भूनने का जो तरीका बताऊंगी, वो बहुत ही नया तरीका है आप सबके लिए। आप एक बार इस तरीके को जरूर ट्राई करें, और इस तरीके से अगर आप एक बार शक्करकंदी को भूनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है आपने शक्करकंदी भूनने की। तो देखिए, इसको हमें बीच में से इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे, इसको मतलब काट लेंगे बीच में से। तो इसको फोल्ड करके आप इसको दो हिस्सों में कर लीजिए। तो देखिए, इसको मैं अभी दो हिस्सों में कर लेती हूँ। तो इसको सब दो हिस्सों में करने के बाद हमें इतना ही पार्ट हिस्सा लेना जिससे हमारी ये शक्करकंदी है इसमें आ जाए। शक्करकंदी को हमें फॉयल पेपर में देखिए बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। तो इसमें अगर आप शक्करकंदी पे चाहे, आप चाहे तो इसमें घी या तेल भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको आज बिना घी तेल के बना के दिखाऊंगी जिससे आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट भुनेगी। तो इस तरह देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है इस पर फॉयल पेपर में। तो फॉयल पेपर में देखिए, हमें इस तरह फोल्ड करना है कि इसमें बिल्कुल भी हवा की क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी ये खुला नहीं होना चाहिए शक्करकंदी का कोई भी पार्ट। अगर हमारा शक्करकंदी का कोई भी पार्ट खुला होगा तो हमारी अच्छी तरह से भुनेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए, आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस कर ही इसको अच्छी तरह से कवर कर दें। तो जिस तरह ट्रिक से मैं बता रही हूँ, उसी तरह से आप एक बार इनको अच्छी तरह से सारे को कवर कर दें। तो देखिए, मैंने सारे को कवर कर दिया है, बस इसी तरह से आप भी इनको सबको कवर कर दें। ऐसे कवर करने से आपकी शक्करकंदी एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। तो चलिए भूनते हैं हम इसको। तो उसके लिए मैंने गैस पर पहले ही पानी को रख लिया था, मैंने 1 गिलास के करीब इसमें कढ़ाई में पानी रख लिया है। तो पानी को हमें पहले थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद अब हम इसमें ये छलनी रख लेंगे। छलनी ये मैंने गोल वाली छलनी ली जिसमें छेद होते हैं, इस तरह की छलनी आप भी ले लें। और इस छलनी के ऊपर अब हम ये शक्करकंदी को एक एक करके सारी को रखेंगे। तो देखिए, हम इसमें शक्करकंदी को रख देते हैं। तो इसको रखकर देखिए, इसे बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके आप इसको रख दें। तो आप सोच रहे होगे ना, पानी में अगर हम इसमें शक्करकंदी को उबालेंगे तो इसमें ये स्टीम हो जाएगी और ये शक्करकंदी में पानी आ जाएगा। बिल्कुल भी शक्करकंदी में पानी नहीं आएगा। इसको देखिए, ढक लिया है मैंने। अब इसको ढक कर अब इसे 10 मिनट के लिए हम इसे कम गैस पर तैयार करेंगे। तो बीच में आप एक बार इसको चेक जरूर कर लें, और थोड़ा सा इसको हमें बीच में पलट भी लेना है। तो देखिए, हम 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद मैं इसको एक बार प्लेट को उठा लेती हूँ। आप प्लेट को बिल्कुल ध्यान से ही उठाएं, क्योंकि ये गर्म होती है। तो देखिए, इसे हम अब ये शक्करकंदी है हमारी, इनको सबको एक एक करके हम इनको पलट देंगे जिससे दूसरी तरफ से भी हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो इस देखिए, मैंने इस सारी को इस तरह से एक एक करके पलट दिया है। अब हम इनको दोबारा से प्लेट से ढक देंगे, और ढककर हम इसे 5 मिनट बाद दोबारा से चेक करेंगे कि हमारी तैयार हो गई है कि हम देखते हैं। देखिए, 5 मिनट अब इसमें होने के बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। तो टोटल हमारे 10 मिनट हो गए हैं। तो अब 10 मिनट के बाद अब देखिए, हम चेक करते हैं इसको कि तैयार हो गई है। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड एक टूथपिक ली है। आप टूथपिक की हेल्प से इसके अंदर शक्करकंदी के अंदर डालकर देखें। अगर शक्करकंदी के अंदर आसानी से जा रही है ये, तो तब तो हमारी शक्करकंदी तैयार हो गई है। और अगर इसको मतलब अंदर डालने में हमें थोड़ा सा प्रेस करके अच्छा दम लगा के डालना पड़ रहा है, तो ये हमारी तैयार नहीं हुई है। तो इसे अब दोबारा से आप 2 मिनट के लिए दोबारा से ढक कर रख दें, और बीच में फिर दोबारा से चेक करें। तो इस तरह
आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरी तैयार हो गई थी 10 मिनट में पूरी, तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब निकाल कर मैं इसको देखिए फॉइल पेपर को उतार कर आपको दिखाती हूँ कि कैसी हमारी शक्करकंदी भुनी है। तो देखिए देखिए ये बिल्कुल मैं उतार देती हूँ मैं सारे फॉइल पेपर को, और देखिए बिल्कुल हमारी ये परफेक्ट भुनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से मैं सारे फॉइल पेपर को उतार दूँगी। तो सारे फॉइल पेपर को उतार कर आपको मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी कि जैसे हम स्ट्रीट में खाते हैं या मार्केट में हम चाट खाते हैं शक्करकंदी की, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगी। इसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको पानी नहीं लगेगा कि हमने इसे उबाला है। ये बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे हमें मार्केट से ही हम इसको लेके आए हैं। देखिए मैंने सारे का फॉइल पेपर उतार लिया है, अब इसको मैं छील लेती हूँ। तो छील कर आपको इसको अभी काट के भी दिखाती हूँ। तो ये शक्करकंदी की चाट फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको तो सभी पसंद करते होंगे, इसे तो बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो एक बार आप भी इस तरह से जैसे मैंने इसको भुना है, इस तरह आप भी इसको भून कर जरूर देखें। तो अगर आपको इसे पीलर से छीलना चाहे तो आप इसे पीलर से भी छील सकते हैं, पीलर से भी आसानी से छील जाती है। तो ये गर्म है, गर्म गर्म को हम इसे मैंने इसे थोड़ी सी हल्की सी ठंडी की है बस। तो इसे हम धीरे धीरे करके सारी को छील लेंगे। तो मैंने देखिए सारी को छील लिया है, और देखिए बिल्कुल हमारी ये परफेक्ट तैयार हुई है। कहीं भी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है, बिल्कुल जैसे ड्राई होती है ना बिल्कुल शक्करकंदी, बिल्कुल अच्छी हमारी भुन गई है। देखिए मैंने इसको आपको काट के भी दिखा रही हूँ मैं, तो लग रहा है ना आपको कि बिल्कुल बहुत अच्छी हमारी तैयार हुई है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो? तो इससे पहले मैंने आपसे एक और वीडियो शक्करकंदी की शेयर की है, वो मैंने कुकर में बिना पानी के ही उसको भी भून के दिखाया था, वो भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं उस वाली को, तो वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप इस शक्करकंदी को कैसे भी खा सकते हैं, नींबू की चाट बना के खा सकते हैं, आप इसको सिंपल खाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे इमली की चाट या जिससे भी आपका मन करे जैसे भी चाट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इंजॉय करें इसे अपनी फैमिली के साथ। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।